रोज एक बड़ा सा युद्ध का मैदान है, जिसमें हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट है, जादू भी है और जादूगर भी है, सुअर भी है, और उनको डिफेंड कैसे करना है। ठीक है, अगर ढाल वाले बंदे आ रहे हैं, जैसे जिन्होंने हाथ में ढाल पकड़ी हुई है, उन पे एरोज नहीं चलते, क्योंकि अगर तूने हाथ में ढाल पकड़ी है, तेरे को तीर कमान आ रहे, तीर आ रहे, तो तू ढाल से सेव करता है। और अगर उनको मारना है तो तुम घोड़े ऐसे ना, घोड़ों को ना, जब तुम वो लाइन आती है ना, तो अगर थोड़ा सा ऐसे कार्ड को होल्ड करके रखोगे तो वो येलो हो जाता है, तो उसको ऐसे भगाओ टावर तक। तो जो भी ढाल वाले या फिर तीर कमान वाले बंदे आएंगे, उनको घोड़े उड़ाते हुए चले जाएंगे और वो मर जाएंगे। अब भाले वाले क्या करते हैं, घोड़ों को मार सकते हैं। भाले वाले ऐसे घोड़ों के ना ऐसे ना चूतड़ों में ना वो करते चुभाएंगे तो ऑफकोर्स मर जाएंगे। सपोज आपका आपके पास है साइरस, ठीक है, आपको जो गेम स्टार्ट करते हो तो आपको तीन गार्डियंस पे सिलेक्ट करना होता है, साइरस, ओडिन एंड बियरवुल्फ। आपने सपोज साइरस किया सिलेक्ट, ठीक है, इसमें हाथी आते हैं। मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में यही ले लो, हाथी वाला बेस्ट है क्योंकि सबको पसंद आता है। अगर आपको डेक बनाना है, सबसे पहली चीज डेक में होनी चाहिए कि आपके पास एक विन कंडीशन होनी चाहिए, एक सपोर्टिंग होना चाहिए, एक रेंज होना चाहिए, ठीक है, सपोर्टिंग और रेंज, और एक डिफेंसिव होना चाहिए चीज़ें। ये तीन चार चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हमारे पास आगे ढाल वाले लीजन शील्डमैन, इसका ऑल्टरनेटिव है अस्थि बारह होंगे यहाँ पे, ये या तो ये यूज करो या तो ये यूज कर लो, बेस्ट है, क्योंकि ये लोग घोड़े भी रोक सकते हैं, मतलब घोड़ों के लिए इफेक्टिव है और हाथियों के लिए। अस्थि बारह की जगह ये वाले भी यूज कर सकते हो, वेकिंग मशीन वॉरियर्स। रेंज के लिए हमारे पास आ जाते हैं पर्शियन, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास रॉयल आर्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ढाल हो गई, एक तीर कमान हो गए, नेक्स्ट हमारे को चाहिए एक थोड़े भाले वाले लोग, यमाटो स्पेयरमैन, नहीं तो उसकी जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं पर्शियन स्पेयरमैन। अभी नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास घोड़े, एक घोड़ा होना जरूरी है। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास एलीट आ जाता है, लीजन लेंसर्स है इनका नाम, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो थोड़ा जिनका अटैक हाई हो, जो डिफेंड के टाइम हो, ये यूज कर सकते हो, वाइकिंग एम्बुशर्स। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द मैप से कहीं से भी निकलते हैं, जब पुश हो रहा हो ना, ये बैक से आके सपोर्टिंग ट्रूप्स को मारने में बहुत हेल्प करेगा। और एरोस रख लो, क्योंकि नीचे के लॉबी में लो लेवल पे एरोज बहुत इफेक्टिव है, एरोज रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट तुम्हारे पास आ जाता है पार्टिकल्स, इसका डैमेज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है ये वल्हरन वॉरियर्स, और एक आ जाती है वॉल्करीज। ये दो चीजें हैं जो तुम एक और विन कंडीशन यूज करते हो सामने वाले को डायरेक्ट डैमेज देने के लिए। ओके, गॉट इट। लाइक मैंने इसको यहाँ पे यूज कर लिया और ये मेरा एक डेक बन गया, अगर मैं खेलना चाहूँ तो इसको खेल सकता हूँ, बट हाई लॉबी पे नहीं, ऑफ कोर्स नीचे वाली तुम्हारे 500 ट्रॉफी कहीं नहीं जा रही इससे। साइरस का मेन जो अटैक है हाथी वाला, वो पुश करने में बहुत हेल्प। और एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग एम्परर पास ले रहे हो ना, वो ले लेना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेट चेस्ट खोला, ये मेरे को नहीं चाहिए ये कार्ड, सपोज मेरे को कार्ड नहीं चाहिए, मैं रीओपन कर लूँगा इसको वापस, क्या पता उसमें अच्छे कार्ड मिल जाए। इसे मेरे को अच्छा कार्ड मिला क्योंकि मेरे को एलीट मिल गया इसमें, इसका बहुत बहुत फायदा, और 20 जेम्स मिलते हैं डेली, वो फॉर द बेस्ट डीजर मिला है मेरे को, मैं रीओपन करूंगा इसको। ठीक है, ये फायदा है एम्परर का, एम्परर पास का। अच्छा, सुसानो भी अच्छा है। थोड़ा मैंने डैमेज कम लेने के लिए उसको फटफट से अपने कार्ड छोड़ा है, बट मैंने टावर ले लिया उसका, अगर कार्ड तुम्हें पता नहीं हो उस पर क्लिक करके तुम उसका वो ले सकते हो। ठीक है, इन्फो ले सकते हो, लीजन लेंसर है इफेक्टिव अगेंस्ट कैलवरी, मेरे पास कैलवरी अभी मेरे पास है नहीं, तो उसको काउंटर करने के लिए बर्न हिल डाल दिया मैंने। ओके, उसने अपना एमपी यूज कर लिया, मतलब उसने अपना गार्डियन का वो यूज कर लिया तीन। ठीक है, चार पे उसका मेन होता है और उसे तीन यूज कर चुका है वो। उसने वापस पत्थर यूज कर लिए, ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास हीरोज लाने के लिए कुछ है नहीं। अभी देखो मेरे पास मागी है, मागी क्या करता है, जो ट्रूप्स मारते हम लोग उसको वो जिंदा करके अपनी टीम में ले लेता है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ थ्री करने का, मैं जीत जाऊंगा ऑफ कोर्स। अरे मारो 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 मारो, 1 HP, कम ऑन 1 HP। हाँ, मैं बोलता हूँ कि आपको जो ऐसे 12 वाला जो 29 रुपीज़ का वो मिलता है ना चेस्ट, वो ले लो, क्योंकि उसमें एपिक मिलता है और तुम्हें गेम में एपिक बहुत रेयरली मिलता है। एपिक निकल आया एक अच्छा, लाइक दिस वन स्पार्टिकस,
ठीक है, यहाँ आर्श आ गया, अगर किसी का ड्रैगन आ गया तो इसमें ज्यादा अच्छी है, तो वो इससे भी बढ़िया खेल सकता है। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, ठीक है गाइस।